हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस मूवी की, तो वो मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी के लिए लगभग 1 घंटा 18 मिनट की, ये कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लेस्ली स्मॉल ने और इसमें हमें नजर आते हैं रोमानी मेल्को, सोनिक मार्टिन ग्रीन। मूवी की कहानी शुरू होती है आरजे रश से, जिसका रोल यहाँ पे प्ले किया है रोमानी मेल्को ने। वो एक आरजे है रेलवे स्टेशन पे अमेरिका में, और उनके 4 बच्चे हैं। उनकी वाइफ की मौत हो चुकी, तो इसी वजह से वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब वो ख्वाहिश कितनी भी ज्यादा महंगी हो, वो सारी की सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। और सिर्फ यही वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो काफी बिगड़ चुके होते हैं, यानी कि उनको गरीबी बर्दाश्त नहीं है, उनको महंगे से महंगे गिफ्ट चाहिए। और अब इसी बीच क्रिसमस नजदीक है, तो क्रिसमस के मौके पर उनके 4 बच्चों ने उनसे बड़ी बड़ी डिमांड की, किसी को बड़े कॉलेज में जाना है, किसी को कार चाहिए, किसी को महंगे ड्रेस चाहिए, किसी को क्या क्या, मतलब चारों की बहुत सारी डिमांड है। तो डिमांड पूरी तो करना चाहते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस आरजे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उनकी जो रेडियो स्टेशन है वो बिक जाता है और इनकी जॉब चली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ सेविंग्स भी नहीं किया, यानी कि जिंदगी भर अपने बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये जितनी भी सेविंग्स थे कुछ भी नहीं रखे, सब कुछ उनके ख्वाहिश में उड़ा दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये क्रिसमस कैसे मनाएंगे, अपने बच्चों को कैसा फेस करेंगे और क्या ये नई रेडियो स्टेशन में अपने जॉब लगाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी हॉलीडे रश। अब मैं बताता हूँ कि ये मूवी मुझे कैसी लगी। तो ये मूवी एक डिसेंट है, 1 घंटे 18 मिनट होने की वजह से आपको लेंथ का पता नहीं चलता है, मूवी आपको बोर नहीं करती, एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी है। क्योंकि यहाँ पर आपको रोमानी मेल्को का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, फनी लगता है, कहीं कहीं जगह पे आप उसके लिए सैड फील करते हो। और मुझे सोनिक मार्टिन ग्रीन का परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा, डायरेक्शन भी ओके है। सिर्फ ये मूवी का रिव्यू करने की मेरी ये वजह थी कि जो इसमें एक खूबसूरत सा मैसेज दिया गया, वो मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बाकी बड़े लोगों के लिए भी है। वो मैसेज क्या है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये मूवी देखनी तो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट की मूवी है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है या मूवी आप देखना चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। तो टिल देन।